रास्ते में मैं सुनने लगा, ये आस्ते 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 ये बदलाव आया। और जब मैं जम्मू कश्मीर पहुंचा वो भी अजीब सी बात थी, जब मैं जम्मू कश्मीर पहुंचा मैं बिल्कुल चुप हो गया। कह लो जैसे मेडिटेशन करता है प्रियंका और मैं विपासना करते हैं, वैसा वैसी बात हो गई कि बिल्कुल चुप हो गया मैं। मां बैठी हैं, मैं छोटा सा था, 1977 की बात है, चुनाव आया, मुझे चुनाव के बारे में कुछ मालूम नहीं था, 6 साल का था मैं। एक दिन घर में अजीब सा माहौल था, मैं मां के पास गया, बैठी हुई है, इधर नहीं देख रही है, मां के पास गया, मैंने मां से पूछा मम्मी क्या हुआ, और मां कहती हैं हम घर छोड़ रहे हैं। तब तक मैं सोचता था कि वो घर हमारा था, तो मैंने मां से पूछा मां हम अपने घर को क्यों छोड़ रहे हैं, और पहली बार मां ने मुझे बताया कि राहुल ये हमारा घर नहीं है, ये सरकार का घर है, और हां अब हमें यहां से जाना है। मैंने मां से पूछा मां कहां जाना है, कहती है नहीं मालूम। नहीं मालूम कहां जाना है, मैं हैरान हो गया। मैंने सोचा था कि वो हमारा घर था, बावन साल हो गए, मेरे पास घर नहीं है, आज तक घर नहीं है, और हमारे परिवार का जो घर है वो इलाहाबाद में है, वो भी हमारा घर नहीं है। तो जो घर होता है उसके साथ मेरा बड़ा अजीब सा रिश्ता है। मैं 12 तुगलक लेन में रहता हूं मगर मेरे लिए वो घर नहीं है। तो जब मैं निकला कन्याकुमारी से निकला, मैंने अपने आप से पूछा कि भाई मेरी जिम्मेदारी क्या बनती है। अब मैं चल रहा हूं भारत का दर्शन करने निकला हूं, भारत को समझने के लिए निकला हूं, हजारों लाखों लोग चल रहे हैं, भीड़ है, मेरी क्या जिम्मेदारी है। मैंने थोड़ी देर सोचा और फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, मेरे ऑफिस के लोगों को मैंने बुलाया
जो मेरे साथ थे, मेरे साथ चल रहे थे, मैंने उनको कहा देखिए यहां पे हजारों लोग चल रहे हैं, धक्का लगेगा, लोगों को चोट लगेगी, बहुत भीड़ है, हमें एक काम करना है, मेरे साइड में, मेरे सामने 20-25 फुट आगे